अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन ड्रामा सीरियल तरीक शाह में ड्रामे का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कमाल का प्रोमो नशर कर देगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया लाजमी से करते जाना, चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते। तो ड्रामा सीरियल तरीक शाह में आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो कि नाज़रीन यहाँ पर बदीमा पहुंच जाती है नवीद के ऑफिस में और वहां पर जाकर इसे बहुत ज्यादा जलील करती है। कहती है कि यहाँ पर मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरती, सारे स्टाफ के सामने इसे इतना ज्यादा जलील कर रही होती है और कहती है घटिया आदमी और भी काफी कुछ कहेगी, जिसकी वजह से नाज़रीन की जैसी वहां से जाएगी तो नवीद अपने कुलीग और सबकी तरफ देखेगा, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरानों परेशान हो जाएगा। शायद यहाँ पर वो लोग जो है वो हंस वगैरह भी रहे, इस तरह से यहाँ पर इसकी जब बहुत ज्यादा बेइज्जती होगी तो यहाँ पर ये अपना बदला लेने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएगा। और इसके बाद आप लोग ये भी देखने वाले हो कि नाज़रीन बदीमा यहाँ पर जो काफी ज्यादा इमोशनल हुई होती है और नाज़रीन यहाँ पर कह रही होती है सलार को कि यहाँ पर मैं तुमसे मिलके ही तो यहाँ पर तुमसे मिली हूँ, तुम्हें पा के ही यहाँ पर मैं अपने आप से भी मिली हूँ। और इसके साथ साथ ये भी कहेगी कि यहाँ पर मैंने जिंदगी में बहुत कुछ खोया है लेकिन सलार मैं जो तुम्हें बिल्कुल भी खो नहीं सकती, मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, इस तरह की बातें करेगी। लेकिन यहाँ पर इसे संभाल लेगा सलार और यहाँ पर इसे थोड़ा सा काम डाउन कराएगा। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट सीन में आप लोग देखने वाले हो कि यहाँ पर शायद बदीमा बाहर जाएगी तो नाज़रीन मौका देखते ही यहाँ पर नवीद और शायद इसका साथी इसे जो उठा लेंगे, यहाँ पर इसे बेहोश कर देंगे और यहाँ पर सलार भी जब वो बाहर देखने आएगा बदीमा को या नाज़रीन कोई आवाज सुन के बाहर आएगा और बहुत ज्यादा आसपास देख रहा होगा लेकिन नाज़रीन इसे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, जिसकी वजह से ये शायद चला जाए और बाद में यहाँ पर बदीमा की वजह से काफी ज्यादा जो वो परेशान होने वाला है। लेकिन नाज़रीन आप लोगों को लगता है कि यहाँ पर ये बदीमा को ढूंढ सकेगा या नहीं ढूंढ सकेगा? लेकिन नाज़रीन आप लोग दूसरे जब नवीद को देखने वाले हो कि यहाँ पर वो काफी ज्यादा खुश होता है और यहाँ पर जब बदीमा को कह रहा होता है यहाँ पर तुम्हारे साथ कभी भी कोई भी आकर कुछ भी कर सकता है, जिसकी वजह से नाज़रीन ये बहुत ज्यादा रोने वाली होती है, चीखे मारना ये शुरू करने ही वाली होती है कि नाज़रीन ये जल्दी से तकिया पिलो वगैरह उठाता और इसके मुंह पे रख देता और कहता खबरदार अगर तुमने आवाज निकाली तो। क्या नाज़रीन सलार बदीमा को ढूंढ सकेगा और यहाँ पर वो किस हद तक चला जाएगा और नाज़रीन यहाँ पर नवीद नाज़रीन मजीद क्या कुछ बदीमा के साथ क्या करने वाला है, किस तरह से फरार होगी बदीमा, लाजमी इस बता जाना होगा। सिर्फ इतना ही, अल्लाह हाफिज़।